मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कृषि उपज मंडी की बहनों ने राखी भेजकर मॉडल एक्ट को वापस लिए जाकर भाई का फर्ज अदा करने की गुजारिश की, जिसे लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा है। दरअसल प्रदेश भर की कृषि उपज मंडियों में मॉडल एक्ट लागू करने के बाद मंडी कर्मचारियों को वेतन भत्तों की चिंता सताने लगी है। ऐसे में खरगोन जिला कृषि उपज मंडी की महिला कर्मचारियों ने रक्षाबंधन के पावन पर्व पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को राखी भेजकर गुजारिश की है कि मॉडल एक्ट को वापस लिया जाए। इस दौरान महिला कर्मचारियों ने बताया कि मंडी एक्ट लागू होने से मंडियों में आय की कमी होगी, जिससे कर्मचारियों को आर्थिक संकट के दौर से गुजरना पड़ेगा। बहरहाल कर्मचारियों ने मामले को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए मॉडल एक्ट वापस लेने की बात कही है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। ये हम सारी समस्त जो मध्य प्रदेश की मंडियाँ हैं उसमें जो भी महिला कर्मचारी हैं वो सब हम हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान को राखी भेज रही हैं, क्योंकि वो प्रदेश में मामा के नाम से जाने जाते हैं और उनसे हम राखी भेजकर मार्मिक यही अपील करना चाहते हैं कि ये जो नया मॉडल एक्ट आया है मंडी में वो ठीक है, लेकिन उसमें कुछ हम अपनी तरफ से चाह रहे हैं कि इसकी वजह से जो मंडियों की आय पर प्रभाव पड़ा है, जिस वजह से हमारे वेतन भत्तों और पेंशन आदि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, उस पर विचार करने के लिए हमने एक मार्मिक अपील की है। साथ ही उनके हम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी से स्वस्थ हो जाएं और मंडी एक्ट के तहत जो मंडियों की आय है चूँकि वो बहुत घट गई है, जिस वजह से मंडियों में हमारी जो वेतन भत्ते पेंशन है जो उसी पर निर्भर है, इसलिए हम चाह रहे हैं कि वो हमारी राखियों के माध्यम से हम बहनों की मार्मिक अपील को स्वीकार करें और जो यथासंभव प्रयास हो वो हमारे पक्ष में करें। क्या नाम है आपका? स्मिता चौहान, सहायक उप निरीक्षक। मंडी कर्मचारी महिला कर्मचारी स्टाफ द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को राखियाँ भेजी गई है और एक उसमें आवेदन पत्र भी है, और हमारे जो साथी कर्मचारी है पूरे मध्य प्रदेश में और मंडी पे अभी जो मॉडल एक्ट लागू होने से आर्थिक संकट घेरा जा रहा है और हमारे कर्मचारियों के वेतन भत्ते पेंशन आदि बहुत सारी जगह क्या है कि वेतन नहीं मिल रहा है, तो महिला कर्मचारियों द्वारा मुख्यमंत्री से ही मांग की गई है कि मॉडल एक्ट के और ये जो केंद्र शासन का अध्यादेश आया है इसके तहत वो हमारी ये प्रमुख मांग है कि हमारे जो वेतन भत्ते उनकी सुनिश्चितता करें। क्या नाम है आपका? रामचंद्र भास्कर है, मंडी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।